आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन पर्व पर जिसको हमारा भारतवर्ष पूरे उत्साह के साथ मना रहा है, इस पर हम सभी नागरिकों को कुछ प्रण लेने की आवश्यकता है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और उस वक्त भी हम धर्म के नाम पर बटे हुए थे और उस कारण से आज आप देखिए भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ा इस भारतवर्ष इस हिंदुस्तान का बट गया था। हिंदुओं को यह समझाया गया कि आपका हित मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों को यह समझाया गया कि आपका हित हिंदुओं के साथ संभव नहीं, और परिणाम हमारे सामने है कि हम दो टुकड़ों में बट गए। आज भी इस आज़ाद भारत में हम सैकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। हमें इसको छोड़ना होगा और सभी भारतवासियों को इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा। धर्म और जाति के नाम पर बटना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। यूं कहूं तो आज जाति मात्र दो रह गई है, एक गरीबी और एक जो गरीबी से रूबरू नहीं हुए हैं अमीरी। इसका मतलब सिर्फ दो जातियां हैं, गरीब और अमीर। हम लोगों को, सभी लोगों को समानता का प्रयास करना चाहिए, समानता का अवसर देना चाहिए। छुआछूत, द्वेष, किसी के लिए ईर्ष्या, समाज में सबको बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और इस पवित्र पर्व पर हम यह प्रण लें कि हम अपने हिंदुस्तान को एक करेंगे जाति और धर्म के बंधन से उठकर। आज हमें यह भी प्रण लेने की ज़रूरत है कि सभी हिंदुस्तान के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय कौशल को बढ़ाने की ओर ध्यान दें। आज अगर समानता का अवसर सभी को मिले, बराबर शिक्षा सभी को मिले, बराबर स्वास्थ्य सभी को मिले और कुछ कुछ मानवीय कौशल अगर सभी को प्रदान किया जाए, तो हमारा भारतवर्ष गरीब नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यह लक्ष्य कि 2047 तक हम विकसित राज्य बने, विकसित देश बने, यह संभव हो पाएगा। यह हमारे नीति निर्माताओं को तय करना होगा, कुछ आंकड़े बदलने चाहिए। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में अभी कुल जीडीपी का मात्र 4% शिक्षा पर खर्च होता है, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल जीडीपी का मात्र 1.5% 1.5% खर्च होता है, जहां विकसित देशों की बात करेंगे यही प्रतिशत कुल जीडीपी का 8-10% तक होता है। आज हमें इन आंकड़ों को बदलने की ज़रूरत है, तभी यह सपना हमारा पूरा हो सकेगा कि भारत से गरीबी दूर हो पाएगी और भारत विकसित देश बन पाएगा। ये जो हमारा सपना है 2047 और 47 के आगे भी, अगर उस स्थिति को हमें बरकरार रखना होगा तो यह जो हमारे देश में जनसंख्या है, इसको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कौशल मिलना चाहिए। इसी आह्वान के साथ आप सभी देशवासियों को मैं विभात सांडिल्या, डायरेक्टर रामाकृष्ण IAS एकेडमी, आह्वान करता हूं कि आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय कौशल की तरफ ध्यान दें, तभी हमारा भारतवर्ष महान बन सकेगा। जय हिंद। धन्यवाद।